कुकिंग विद रश्मि। इस बार मैं आप लोगों के लिए होममेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। और ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना कि मैंने ईस्ट का यूज़ किया, ना चीज़ का यूज़ किया, ना ओवन का यूज़ किया, और ये मैंने खास करके पैन में ही बनाई हूँ। और आप लोग ये पिज़्ज़ा बनाइए, और ये बनाना बहुत आसान है। घर में जो अवेलेबल चीज़ें उसमें आराम से बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चलो अभी पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करें। बनाने के लिए सबसे पहले हमको पिज़्ज़ा का बेस बनाना पड़ेगा। जो कि पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले रखी हूँ, कुछ सॉल्ट ले रखी हूँ, कुछ बेकिंग सोडा ले रखी हूँ, बेकिंग पाउडर, वाटर, शुगर, कुछ रिफाइंड ऑयल और कुछ कॉर्न। अब चलिए हम इसका बेस बनाने के लिए डो प्रिपेयर कर। मैंने 1 कप मैदा ले रखी हूँ, 1 कप मैदे में 1 चम्मच सॉल्ट ले रखी हूँ, बेकिंग पाउडर ले रखी हूँ, बेकिंग सोडा ले रखी हूँ, 1 स्पून शुगर ले रखी हूँ। अब चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच कर्ड ले रही हूँ, 4 बड़े चम्मच दही ले रही हूँ। अब देखिए दही डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसको, इसमें हम थोड़ा सा भी पानी ऐड कर लेंगे। और इसको हम गूंद के अच्छे से सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर। पहले मेरा डो प्रिपेयर हो गया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 स्पून ऑयल डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से हम गूंद के इसको हम अच्छे से गूंद के अभी इसको आधा घंटा के लिए कवर करके रख लेंगे। देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आपको भी ऐसे ही बिल्कुल प्रिपेयर करके इसको फॉर्मेशन के लिए हम आधा घंटे के लिए कवर करके एक टॉवल पे कवर करके रख देंगे। पिज़्ज़ा बनाने, पिज़्ज़ा को हमने बिना चीज़ के बना रहे, तो इसीलिए मैं व्हाइट सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ। और व्हाइट सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए मिल्क और थोड़ा सा सॉल्ट, कुछ मैदा और 2 स्पून बटर, 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 स्पून ओरिगैनो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। अब मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। अब देखिए बटर को पूरा मेल्ट होने से पहले हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, क्योंकि बटर को हम ज़्यादा लेट करेंगे तो ये पूरा जल जाएगा। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे इसे, ताकि मैदा का कच्चा फ्लेवर चला जाएगा। अब देखिए इसको मैंने ऑलरेडी 2 मिनट कुक कर लिया है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसका गुठलिया अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। ऐसे ही बिल्कुल उसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब देखिए ऐसे ही बिल्कुल मिक्स करनी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा थिकनेस लाना है इसको, तो थोड़ी देर उसको कुक करनी है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा उबाल आ गया है, और इसको हम ज़्यादा देर कुक करेंगे तो जल्दी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। चलो अभी मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। कुछ चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, कुछ ओरिगैनो ऐड कर रही हूँ। अब हमारा व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मेरा व्हाइट सॉस देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। एक बॉल में ट्रांसफर कर लें।
ये देखिए मेरा व्हाइट सॉस बिल्कुल रेडी है। अब चलिए हम रेड सॉस बनाते हैं। नहीं है तो आप ऐसे ही पिज़्ज़ा सॉस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 टमाटो ली हूँ, कुछ चिलीज ली हूँ, 2 ऑनियन को चॉप कर ली हूँ, 5-6 पीस गार्लिक को चॉप करके रखी हूँ, थोड़ा सा पानी चाहिए, कुछ सॉल्ट दे रखी हूँ, कुछ चिली फ्लेक्स और कुछ टमाटो केचप और रिफाइंड ऑयल। चलो अभी शुरू करते हैं पिज़्ज़ा। टमाटो को थोड़ा सा कटिंग लगा लेंगे, कटिंग लगा इसको उबाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट्स इसको बस उबालनी है। पहले से मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ले रखी हूँ, अब इसमें मैं टमाटो ऐड कर रही हूँ। देखिए टमाटो, अब मैं इसका कवर लगा दिया, गर्म है। और पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले ऑयल ले रही हूँ। अब देखिए मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पहले थोड़ा सा चिली ऐड कर रही हूँ। गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ टमाटो प्यूरी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। इस करके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। इसको अच्छे से कुक करने के लिए हम कवर कर लेंगे। अभी देखिए कवर खोल के देखते हैं हम, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अब इसको 2 मिनट कुक होने के लिए हम कवर कर देंगे। देखिए ये ऑलरेडी हो चुका है और ये सॉस देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ और इसको एक बाउल में निकाल देंगे। चलो इसको बाउल में निकाल देंगे। अब देखिए पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक ऑनियन को देखिए क्यूब से मैं काट रखी हूँ और कुछ रेड शिमला मिर्ची, कुछ ग्रीन शिमला मिर्ची और कुछ येलो शिमला मिर्ची ले रखी हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बस ग्रीन शिमला मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ पनीर को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ्राई करके रखी हूँ। चलो अभी हो गया है, अब हम पिज़्ज़ा बेस के लिए जो डो प्रिपेयर करते थे उसको हम अभी चेक कर लेंगे। देखिए ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाना शुरू करते हैं। पहले अच्छे से फिर इसको गूंद लेंगे, गूंद के इसका गोला बना लेंगे। अभी देखिए मैंने गोला ऑलरेडी बना लिया और इतने डो में हम 3 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब चलिए हम पिज़्ज़ा बेस बनाते हैं। इसका गोला ले रखी हूँ, अब इसको हम अच्छे से बेल लेंगे और ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस थिकनेस रखेंगे। देखिए इसको ऐसे ही बेल लेंगे और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से शेप बननी चाहिए। अब देखिए मैंने इसको बेल लिया है, आप देखिए इसको चारों तरफ बिल्कुल साइज़ ऐसे ही बराबर होनी चाहिए। अब देखिए इसको मैंने इतना ही मोटा रखे और आप भी ऐसे उतना ही मोटा रखिएगा। पैन में बनाएंगे तो इसीलिए बिफोर टाइम हम पैन को थोड़ा प्री हीट कर लेंगे। और पैन मेरा ऑलरेडी लगभग गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। बेस आपको ऐसे ही प्रिपेयर करनी है। अब हम इसको बेस को डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे। कवर हटा के इसको चेक करते हैं। देखिए हमारा बैक साइड बिल्कुल हो चुका है, अब हम इसको टर्न कर लेंगे।
सबसे पहले इसमें 150 ऐड करेंगे और अच्छे से देखियो 150 कैसे ही ऐसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी मैं इसमें व्हाइट सॉस ऐड कर रही हूँ, व्हाइट सॉस को भी ऐसे हम स्प्रेड कर देंगे। फिर हम उसको ऐसे ही रेड शिमला मिर्ची में थोड़ा समय डेकोरेट कर रही हूँ, कुछ येलो शिमला मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ग्रीन ऐड कर रही हूँ, ग्रीन शिमला मिर्ची। कुछ ऑनियन ऐड कर रही हूँ। अब मैं कुछ पनीर ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ व्हाइट सॉस ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से व्हाइट सॉस को फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर 1 pinch ओरिगेनो स्प्रेड करेंगे और कुछ चिली फ्लेक्स बस। अब हम इसको, ये देखो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। अभी हम इसको चेक करते हैं कि कुक हुआ है या नहीं। अभी ऑलरेडी कुक हो चुका है, इसको हम अभी प्लेट में निकाल लेंगे। मेरा पिज्जा ऑलरेडी रेडी है, मैं अब इसको कट करके दिखाऊंगी आपको। देखिए ये पिज्जा ऑलरेडी आपको चीज पिज्जा जैसे लगेगा, बट इसमें इलास्टिसिटी नहीं है क्योंकि हम इसमें पिज्जा के चीज़ के बदले में व्हाइट सॉस ऐड की है। इतने अच्छे से कुक हुआ है और ये देखने में कितना, और देखने में भी जितना डिलीशियस है, खाने में भी उतना यम्मी होगा। आप लोग इसका घर में बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।